Yes. Okay. Inshallah, we shall begin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yesterday we started the revision. Inshallah, aaj hum log usi ko continue karenge. Kal humne थ्री काइंड ऑफ तौहीद के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी. आज हम लोग टाइप्स ऑफ शिर्क के बारे में जानेंगे. व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट शिर्क, आपके हिसाब से शिर्क के बारे में जानना क्यों जरूरी है? एनीबडी वुड लाइक टू आंसर दैट? शिर्क की नॉलेज होना हमें क्यों जरूरी है? आप टाइप भी कर सकते हैं या अनम्यूट करके माइक पे भी बोल सकते हैं. शिर्क की इंफॉर्मेशन, शिर्क की नॉलेज होना क्यों जरूरी है? Nobody wants to answer that? इसलिए जी माही, गो एड. Yes, Mahi, go ahead. Hello? Yes, Hello. Mahi, बोले. इसलिए कि शिर्क करने वाला जो है वो दायरा इस्लाम से बाहर हो जाता है. राइट, शिर्क करने वाला दायरा इस्लाम से बाहर हो जाता है. दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने सब चीज की माफी रखी है मगर शिर्क की नहीं है माफी. तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो सारी कौन सी चीजें हैं जो कबीरा सगीरा या खफी शिर्क में शामिल होती है. बिकॉज हो सकता है अनौज़बिल्ला अननोइंगली अनइंटेंशनली हम कोई एक्शन कोई डीड कर रहे हों जो कैटेगराइज्ड है एज अ शिर्क. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इस चीज की नॉलेज हो, हमें इस चीज की अवेयरनेस हो कि वॉट इज कंसिडर्ड एज शिर्क, ताकि हम उससे बच सकें, ताकि हम उसको कमिट ना कर सके. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाई द मैटर ऑफ शिर्क जो है उसको लाइटली नहीं लेना है, उसको बहुत केयरफुली और कॉन्शियसली हैंडल करना है. सो व्हाट इज बेसिकली शिर्क? शिर्क की मानी है टू एसोसिएट अदर्स विद अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन वर्शिप, यानी किसी और चीज को पार्टनर बनाना, एसोसिएट करना किसी भी तरह की इबादत में. अब इबादत में बहुत सारी चीजें आती हैं, सिर्फ नमाज पढ़ना या रोजे रखना नहीं, कस्में खाना, कुर्बानी करना, दुआ मांगना. उसके बाद एक बिलीफ और यकीन और अकीदा जो कि अल्लाह ताला की जो तौहीद रुबूबिया है कि अल्लाह इज द अल्टीमेट मालिक, अल्लाह इज द अल्टीमेट खालिक, अल्लाह इज द अल्टीमेट मुदब्बिर, ये वाली भी जो हमारी फीलिंग्स और जो हमारा ट्रस्ट है उस तरीके का तवक्कुल भी किसी और पे हम नहीं रख सकते जो हमें अल्लाह से रखने का हुक्म है. तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट प्रेइंग सला, उससे कई गुना ज्यादा इसके मानी है कि हमारा जो एक रिश्ता है जो लव होप और फियर का जो रिश्ता है और एक जो हमारा ट्रस्ट है अल्लाह अज्जा वजल पर, जिस तरीके से हम अल्लाह पे रिलाय करते हैं हर चीज के लिए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, वो सारी कैफियत हमारी जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो सकती है और किसी के लिए भी नहीं. सो बेसिकली इट इज टू एसोसिएट अदर्स, किसी भी शय को उसके अल्लाह के करीब भी लाना अलाउड नहीं है. अल्लाह इज वे अबाव. उसके बाद किसी को बीच में वसीला बनाना, आप और अल्लाह के बीच में किसी को वसीला बनाना ये सोचकर कि वो आपकी शफा कर देंगे, ये भी अलाउड नहीं है. आपका जो अल्टीमेट ट्रस्ट है वो सिर्फ डायरेक्टली अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ होगा, आपको किसी भी एंटिटी की जरूरत नहीं है इन बिटवीन. ऑफ कोर्स इंटरसेशन ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मिलेगी आखिरा में, बट दैट्स अ डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर. लेकिन आप डायरेक्टली किसी का वास्ता लेकर या किसी का वसीला लेकर कोई भी इस तरीके की दुआ या कोई भी इस तरीके का एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते. उसके बाद आप कोई भी ऐसी चीज जो मुशरिक की जो बिलीव्स हैं, मुशरिक जिस चीज के ऊपर बिलीफ रखते हैं उसको आप अप्रूव नहीं कर सकते.
यानी वो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुशरिक जो है आइडल वर्शिपिंग, जैसे कि अभी ये गणपति की उनकी पूजा हो रही है, ओके, या वो क्रिसमस मना रहे हैं क्रिश्चियंस, तो आप उस चीज को अप्रूव करके उनके साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकते। दैट मीन्स आपने उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि आप याद रखें आप मुस्लिम और इस्लाम के फोल्ड में जब आप आए हैं, दाखिल हुए हैं, आपने शहादतन पढ़ी, आपने टेस्टिमनी ली है ला इलाहा इल्लल्लाह की, तो आपने रिजेक्ट किया है, आपने सारे दूसरे माबूदों को रिजेक्ट किया है, तो इसलिए आप मुशरिक की कोई भी शय के अंदर शामिल नहीं हो सकते। अगर आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट करें, आप उनके फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करें, आप उनकी जो गैर अल्लाह की कुर्बानियां हैं उसके अंदर आप, उसके अंदर आप शरीक होके खाना खाएं, वो सब अलाउड नहीं है। तो आप एक बात ध्यान में रखें कि इधर आप इस तरफ है या आप उस तरफ है, इधर ही ब्लैक है या व्हाइट है, ग्रे शेड नहीं है इस्लाम में। तो आपने अपना माइंड जो है बिल्कुल क्लियर रखना है कि जब भी आपको चूज करना पड़े बिटवीन दुनिया एंड अल्लाह, आप हमेशा अल्लाह चूज करेंगे। उसके बाद ये भी बिलीव रखना कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत जो है वो कंप्लीट या परफेक्ट नहीं है। मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग हैं जो मुनकर हदीस हैं, यानी वो कहते हैं कि जो भी कुरान में है बस वही ठीक है, बाकी हमें जो है हदीस पे इतना भरोसा नहीं करना है। हालांकि कुरान और हदीस गोज हैंड इन हैंड, यानी वो सेम लेवल पे रखी गई है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमको खुलासा जो है वो हदीस से मिलता है, सही ऑथेंटिक हदीस। अब अगर किसी के अंदर ये बिलीफ है कि वो जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को रिजेक्ट करे, तो अगेन गो बैक टू शहादतैन। आपका जो सेकंड पार्ट ऑफ शहादतैन है वो क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह, यू आर एक्सेप्टिंग दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। तो अगर आप उनको रिजेक्ट करें, देन अगेन स्ट्रेट वे आप जो है शिर्क की एक अकसाम के अंदर शामिल हो जाएंगे। उसके बाद एक और एक कैटेगरी जो बहुत कॉमन है, एंड आई गेट स्केयर्ड कि ये बहुत सारे लोग अननोइंगली अनइंटेंशनली भी करते हैं, यानी आप कोई ऐसी चीज को हेट करें जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सिखाया है, यानी कोई ऐसी सुन्नत, कोई ऐसी उनकी बात जिस पे उन्होंने ताकीद की है, बेशक वो मुस्तहब होगी, शायद फर्द या वाजिब की कैटेगरी में ना होगी, लेकिन स्टिल आप उसको हेट नहीं कर सकते, यू कांट आउटराइट हेट इट, तो ये भी करना गलत है। उसके बाद कोई भी ऐसी चीज जो इस्लाम में आई है और उसको आप, उसकी आप मजाक उड़ाएं, उसको रिडिक्यूल करें, आप कोई भी इस्लामिक हुक्म अरकान अहकाम की मजाक नहीं उड़ा सकते, आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, आप उसको इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट नहीं बता सकते। उसके बाद मैजिक, हर किस्म का मैजिक, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल डिस्कशन की हुई है, तो मैजिक हर किस्म की शिर्क है। उसके बाद आप ऐसे लोगों को, ऐसे काफिरों को सपोर्ट नहीं कर सकते जो इस्लाम के और मुस्लिम के खुले दुश्मन हो, आप उनको इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट या फिजिकल सपोर्ट नहीं दे सकते जो मुस्लिम्स के खुले दुश्मन हो, ठीक है। उसके बाद कुछ वो लोग होते हैं, ये हमारे ऊपर लागू नहीं है, लेकिन पीपल हु आर इन पावर, जो अथॉरिटी में होते हैं, कि वो अपने आप को जब अगर एक पोजीशन उनको मिलती है, ओके, पावर एंड अथॉरिटी की पोजीशन मिलती है, तो वो ये सोचें कि हमारा जो पावर है हम इस्लाम को चेंज करें या इस्लाम की कोई बातों को रोके यूजिंग अवर पावर, ये भी एक फॉर्म ऑफ शिर्क है। उसके बाद इस्लाम से पलट जाना और बहुत स्टबनली, बहुत एरोगेंट होके रिफ्यूज करना कि हम इस्लाम की टीचिंग्स को रिफ्यूज करते हैं और उसको फॉलो नहीं करेंगे, ये भी शिर्क में शामिल हो जाएगा। तो ये चंद पॉइंट्स है जो शिर्क के लिए हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं क्विकली रिपीट करती हूँ दोबारा से, शिर्क बेसिकली जो है वो अल्लाह ताला के साथ इबादत में किसी को शरीक करने का नाम है। आप अपने और अल्लाह सुबहाना ताला के बीच में कोई वसीला, कोई बंदा बीच में आप नहीं रख सकते, कोई वास्ते की आपको जरूरत नहीं, आपका डायरेक्ट रिलेशन है अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ। आप कुफारों की कोई भी चीज को अप्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आप
ये बिलीव नहीं कर सकते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंप्लीट या परफेक्ट हिदायत आपको नहीं दी. यू हैव टू बिलीव दैट उन्होंने कंप्लीट और परफेक्ट हिदायत आपको दी है. आप कोई भी ऐसी चीज़ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाई है या बताई है उसको हेट नहीं कर सकते. उसके बाद इस्लाम की किसी चीज़ का आप मजाक नहीं उड़ा सकते. मैजिक, हर किस्म की मैजिक शिर्क है. उसके बाद ऐसे डिसबिलीवर्स को आप फ्रेंड्स नहीं बना सकते जो कि मुस्लिम्स के खुले दुश्मन हैं. उसके बाद वो लोग जो अथॉरिटी में होते हैं और वो सोचते हैं कि हम इस्लाम के लॉज को चेंज कर देंगे. एंड देन आखिरी पॉइंट इज कि आप इस्लाम से टर्न हो जाएं, मुर्तद हो जाएं, और फिर आप स्टबर्नली दीदादरी से आप उनके उसके रूल्स को जो हैं वो रिजेक्ट करें, और आप उसकी तालीमात को रिजेक्ट करें और उसको फॉलो करने के लिए भी रिजेक्ट करें. अब इसकी टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ शिर्क. शरिया और इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में शिर्क की माने हैं असाइनिंग अ पार्टनर और राइवल टू अल्लाह इन लॉर्डशिप, रुबूबिया एंड उलूहिया एंड इन अस्मा व सिफात. तो टाइप्स ऑफ शिर्क हो जाएंगे मेजर एंड माइनर, शिर्क अल अकबर एंड शिर्क अल असगर. शिर्क अल अकबर में क्या क्या आ जाएगा, शिर्क अल रुबूबिया, शिर्क अल उलूहिया, शिर्क अल अस्मा व सिफात. तो शिर्क अल रुबूबिया इज एज गुड एज, इसको अगर आपको समझना है तो आप तौहीद अल रुबूबिया के बारे में सोचें. उसका ऑपोजिट एंड है शिर्क अल रुबूबिया, मानी मेजर शिर्क है कि ये बिलीव करना कि ये जितनी भी रुबूबियत यानी खालिक मालिक मुदब्बिर वाली जो क्वालिटी है वो अल्लाह के पास नहीं किसी और के पास भी है. वो क्वालिटीज, वो सिफत आप अल्लाह के अलावा किसी और को दें तो वो मेजर शिर्क, शिर्क अल रुबूबिया बन जाएगा. एग्जाम्पल, जो लोग दरगाहों पे जाते हैं या डेड और डिसीज्ड पायस लोगों से दुआ करते हैं और हमारे अनौज बिल्ला रिस्क में बरकत हो या हमें औलाद अता की जाए, ये सब काम किसके हैं, ये अल्लाह ताला के हैं, ये कोई इंसान के हाथ में नहीं है किसको कौन सी औलाद मिले, कितना रिस्क मिले, उसकी तकसीम क्या हो, बेटा हो बेटी हो, एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल. तो ये सारी चीज़ें लोग, बड़ा आम है ये, बहुत बड़ा तबका है अल्लाह में, अल्लाह प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस, जो ये शिर्क अकबर के अंदर मुब्तिला है. तो वो सारी सिफत जो थी रुबूबिया की वो किसी और शय के अंदर ढूंढते हैं और उसको फॉलो करते हैं. दैट गोज अंडर शिर्क अल रुबूबिया. शिर्क अल उलूहिया, ये भी मेजर शिर्क है और ये अगेन तौहीद अल उलूहिया वाले जो कंसेप्ट है उसका ऑपोजिट एंड है. यानी तौहीद अल उलूहिया इज आल्सो कॉल्ड तौहीद अल इबादा. यानी सारी इबादा जो है जो हम अल्लाह के लिए करते हैं या अल्लाह की तरफ डायरेक्ट करते हैं उसको वो किसी और की तरफ करें. जैसे उनसे दुआ मांगना, उनके लिए गैरुल्लाह के लिए कुर्बानी करना, उनकी कस्में उठाना, तो वो कोई भी हो सकता है, फरिश्ते हो सकते हैं, कोई मैसेंजर, कोई वली, सन मून रॉक, ह्यूमन बीइंग, ग्रेव, कोई भी शय, किसी भी चीज़ की इस तरीके से अकीदत के साथ इबादत करना विल गो अंडर शिर्क अल उलूहिया. शिर्क अल अस्मा व सिफात, वो बिलीव करना कि वो सारे जो अल्लाह ताला के नाम और अल्लाह ताला की जो सिफात है उसको डिनाई करके किसी और के ऊपर वो लागू करना. तो ये जो शिर्क है, इस ये सारे शिर्क में अगर कोई मुब्तिला है शिर्क अल अकबर के अंदर तो वो नॉन मुस्लिम यानी इस्लाम के फोल्ड से बाहर हो जाता है और हमेशा और हमेशा के नौज़बिल्ला जहन्नम में रहने वाला है. अल्लाह प्रोटेक्ट अस, बिकॉज ये बहुत बड़ा मामला है. शिर्क अल असगर, ये क्या है, ये माइनर शिर्क है. इसमें इंसान इस्लाम के फोल्ड में से तो नहीं जाता लेकिन इसकी सजा बहुत सख्त होती है और इसीलिए भी इससे इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि ये माइनर शिर्क जो है वो धीरे धीरे फिर आपको मेजर शिर्क की तरफ भी ले जाता है वर्ड्स और एक्शंस के थ्रू, ऑब्वियस या हिडन. यानी माइनर शिर्क जो है वो वर्ड्स, आपके कलिमात और आपके अमाल के थ्रू हो सकते हैं, जो जाहिर भी हो सकती है या छुपी हुई खफी भी हो सकती है. सो शिर्क बाय वर्ड्स में क्या आता है, शिर्क बाय वर्ड्स में आता है कि आप अल्लाह के सिवाय किसी और की कसमें उठाएं,
और उसके बाद ऐसे कलिमात यूज़ करने हैं कि अल्लाहु आलम या जैसा आप चाहें किसी इंसान को वो वाली सिफत देना, बिकॉज इसके ऊपर एक हदीस भी है, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था. मैं एक्चुअली रिविजन के अंदर कुरानिक रेफरेंसेस और हदीस नहीं मेंशन कर रही क्योंकि वी आर जस्ट डूइंग द रिविजन. हमने डिटेल में बहुत कुछ इसके बारे में डिस्कस किया है. इंशाल्लाह ताला मैं फिर से अपने वो यूट्यूब के लिंक्स, मैंने सब अपलोड कर दिया है ऑडियो, इंशाल्लाह फिर से मैं लिंक जो है शेयर करूंगी ग्रुप में. जिन्होंने मिस किया है आई वुड रिक्वेस्ट एंड अर्ज कि आप जाकर वो फर्स्ट लेवल ज़रूर सुने क्योंकि डिटेल में हमने हदीस हैं और कुरानिक रेफरेंसेस भी इसके बारे में डिस्कस की हैं. तो वर्ड्स और कलिमात में आ गया कस्में उठाना और ऐसे कलिमात यूज़ करना, ये शिरकिया कलाम है इनफैक्ट, कि जैसी अल्लाह की मर्ज़ी और जैसी आपकी मर्ज़ी हो, यानी गैब इल्म तो किसी के पास नहीं है सिवाय अल्लाह के. उसके बाद ऐसा मानना कि हमें बारिश हुई है तो ये स्टार था, हमने इससे दुआ मांगी तो हमें बारिश हो गई, या फॉर एग्जाम्पल हम इस बाबा के यहाँ गए तो नाज़बिल्ला हमें औलाद हो गई. तो ये सारी चीज़ें जो हैं शिर्क बाय वर्ड्स हो गए. ठीक है, शिर्क बाय एक्शंस क्या होता है? शिर्क बाय एक्शंस में फॉर एग्जाम्पल आप किसी फॉर्चून टेलर के पास चले गए या आपने पाम रीडिंग कराया, ठीक है. उसके बाद ओमेंस में बिलीव करना, जैसे कि ये धागा, ये तावीज़, ये पत्थर, ऐसी कोई चीज़, बिल्ली रास्ता काट गई, छींक अगर कोई बाहर निकल रहा हो तो छींके ना, मतलब ये सारी जो मनगढ़ंत चीज़ें हैं जिसकी कोई दलील नहीं है, कोई बेस नहीं है, उसमें यकीन और अकीदत रखना. हर किस्म के तावीज़, हर किस्म की घड़ी, रिंग, ब्रेसलेट, नॉट एग्जैक्टली घड़ी, और आई मेंट वॉज ब्रेसलेट, रिंग्स, कोई स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ों को पहनना और उस पर ऐसी अकीदत रखना कि ये जो है हमें आफतों से या बलाओं से बचाएगी, तो वो शिर्क अलअसगर में कैटेगराइज होगा. शिर्क बाय हार्ट यानी इंटेंशंस, अगर आपकी नियत के अंदर रियाकारी है तो ये बहुत डेंजरस वाला मैटर है वैसे, रियाकारी वाला, तो बी वेरी वेरी केयरफुल. आपकी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर है, पूरा इखलास के साथ, प्योरली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल. हमने कल भी डिस्कस किया था और पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इबादा की दो कंडीशन है, इखलास होना ज़रूरी है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका. तो जब तक कि ये दो चीज़ें फुलफ़िल नहीं होंगी आपकी इबादा एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. तो अगर राय बराबर भी रिया आ गई, ज़र्रा बराबर भी रिया आ गई आपके एक्शन में, तो वो ज़ाया हो जाएंगे. ज़ाया के अलावा शिर्क की एक अकसाम में भी गिना जाएगा, तो ये खफी शिर्क हो जाएगा. और दूसरा ये कि कोई अच्छे डीड्स करना अपनी ईगो के लिए या सिर्फ वर्ल्डली पर्पस के लिए, यानी सिर्फ दुनियावी कोई चीज़ हासिल करने के लिए या फिर अपनी ईगो को फैन करने के लिए, तो ये भी शिर्क बाय हार्ट इंटेंशंस में चला जाएगा. सो डिफरेंस क्या है बिटवीन मेजर एंड माइनर शिर्क? मेजर शिर्क से इंसान इस्लाम के फोल्ड से बाहर हो जाता है, माइनर शिर्क से बाहर नहीं होता है लेकिन इज्तनाब करना है. मेजर शिर्क जो है हमेशा और हमेशा उस मुशरिक को जहन्नम में डाल देगा, बल्कि माइनर शिर्क जो है उसको कुछ टाइम के लिए पनिशमेंट है और फिर उसके बाद उसे निकाला भी जा सकता है अगर अल्लाह चाहे. मेजर शिर्क जो है इंसान के जितने भी प्रीवियस अच्छे डीड्स हैं उसको ख़त्म कर देता है, जला देता है. माइनर शिर्क जो है उसके पिछले नेकियों को जलाता नहीं है, बल्कि जो रियाकारी है, शोइंग ऑफ है, सिर्फ वो एक्शन जो है वर्ल्डली रीजन के लिए वो नलीफाई हो जाता है. यानी उसके पिछले कुछ अच्छे अमाल हैं लेकिन चंद अमाल जो है उसने शो ऑफ रियाकारी के लिए किए, तो सिर्फ वो जो मिक्स्ड वाला करप्ट डीड है वो नलीफाई हो जाएगा, वो खत्म कर दिया जाएगा. मेजर शिर्क जो है लाइफ एंड वेल्थ जो उसकी है उसको, यानी कोई अगर मुशरिक है तो उसकी जो वेल्थ है वो हराम मानी जाती है. वन के नॉट, यानी एक मुस्लिम जो है एक मुशरिक के माल को हलाल नहीं समझ सकते, उनके लिए वो हराम करार कर दी जाती है. बल्कि माइनर शिर्क जो है वो उसकी वेल्थ और लाइफ को हराम नहीं माना जा सकता. तो आप देखें कितना इम्पोर्टेंट है ये सब्जेक्ट और कितना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इस चीज़ से बचें, क्योंकि अनइंटेंशनली, अननोइंगली,
अनअवेयर होकर जहालियत के अंदर हमें ये नहीं करना है. मे अल्लाह प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस. और इसीलिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए नॉलेज जो है, सीकिंग नॉलेज जो है, उसे ऑब्लिगेटरी मैटर कहा गया है. ओके, अभी आप थोड़ा अनम्यूट करें, मैं कुछ ट्रू और फॉल्स और क्वेश्चंस पूछूंगी शिर्क के बारे में. हेलो जी बोलें. जी, सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। वरहमतुल्लाह. ये मुशरिक जो है, अगर मुस्लिम है तो भी उसका माल जो है वो हराम है? यानी वो ही कहा गया है ना कि मुशरिक इज मिक्सिंग. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कहूँ कि एक मुशरिक ने गैर अल्लाह के लिए कुर्बानी की, तो हम उसको खा सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं खा सकते? बिकॉज वाई वी कैन नॉट कंज्यूम इट? बिकॉज वो अल्लाह के नाम के लिए, अल्लाह के लिए नहीं था ना। एग्जैक्टली, विच मीन्स कि उसके जो है ना वेल्थ पे से हम लोग अगर कोई चीज लेंगे तो हमारे लिए वो हराम करार दी जाएगी, बिकॉज उन लोगों की सारी चीजें जो है वो करप्ट हो गई हैं. वी कैन नॉट कंज्यूम इट. ठीक ओके है. ऑलराइट, सलाम। क्वेश्चन की तरफ आ जाएं. ट्रू और फॉल्स. ओके, पहले फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं. एसोसिएटिंग अदर्स विद अल्लाह इन हिज वर्शिप इज कॉल्ड अल्लाह के शिर्क। सी. ओके, अल्लाह के सिवाय किसी और को इबादत में शामिल करने को शिर्क कहते हैं. ओके, देयर आर टू मेजर, आई मीन नॉट मेजर, इफ आई थिंक आई आंसर्ड इट. तीन टाइप ऑफ शिर्क बताएं. अक्साम, थ्री टाइप्स ऑफ शिर्क जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, तीन टाइप्स ऑफ शिर्क बताएं. हेलो, नो वन इज आंसरिंग, व्हाट्स रॉन्ग? थ्री टाइप्स के शिर्क बताइए, नाम दीजिए. यस उमेरा, डोंट आई थिंक टुडे नोबडी इज इन अ मूड टू आंसर. हेलो, यस यस, समबडी आंसर. थ्री टाइप्स ऑफ शिर्क बताइए. मेजर सिंह, आवाज नहीं आ रही है. आई थिंक समबडी इज स्पीकिंग बट इज वेरी लो. थोड़ा सा लाउड बोले. ओके, मेजर सिंह, मेजर शिर्क. यस, मेजर सिंह, देन माइनर है, माइनर. आपकी आवाज मैं बंद करती हूँ. मेजर, माइनर एंड हिडन. हिडन, ओके. अकबर, असगर एंड खफी. ऑलराइट, ओके. ट्रू और फॉल्स करते हैं. आ रही है ना? हाँ अभी ठीक है. ओके, क्वेश्चन सुने अभी. रिया शोइंग ऑफ इज नॉट अ माइनर शिर्क. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. फॉल्स. ओके, मेकिंग दुआ टू अदर्स other than Allah is a kind of a shirk? Major. Major. It's true or false, I'm asking. Making yes, dua yes. Others than Allah is a kind of a shirk? Yes, shirk. Okay. Then throwing the Quran in an improper place or using its words for songs with music is a major shirk? Yes. Major shirk or minor? Minor. Major. No, it's minor. Okay. Okay. Minor shirk. Okay, wait, list me thoda wo ho jayega. The opposite of tawheed is kariya, shirk or fasting? Shirk. Okay. Swearing other than Allah is option one. Shirk, and it invalidates the oneness of Allah. It is allowed or it is permissible? Shirk. It's shirk. It's shirk. Okay. Okay. Example, huh? You have to tell me, ye major shirk hai ke minor shirk hai? Hmm? Tara wears a taweez. Major or minor? Major. Is it a major minor? Minor. Minor.
माइनर माइनर, जिसने मेजर कहा, क्यों मेजर कहा आपने? नहीं मैंने गलती से बोला, सॉरी. अच्छा उमर वेयर्स अ रिंग ऑन हिज फिंगर दैट ही बिलीव्स विल प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम ओल्ड एज. व्हाट शिर्क इज दैट? माइनर माइनर. ओके. Praying to the angels or messengers, what kind of shirk is that? Major. 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 Okay, can anybody tell me which type of shirk? Major, ठीक है, मतलब कौन से वाले में जाएगा ये? कौन सी kind of shirk में जाएगा? Uluhiya. Excellent. Uluhiya. Very good. Because worship वाला मामला आ गया है, तो it will go in Uluhiya. Whereas wearing a ring finger to protect from the old age, वो कौन सी kind में जाएगा? Rububiyyah. Right. Very good. I just wanted to understand, क्योंकि ये जरूरी है कि हमें उसकी clarity हो और understanding समझ में आए. Okay, then ये last वाला, can you please repeat? कौन सा वाला? ये Uluhiya और Rububiyyah में जो categories किया हमने, उसका See, to understand that, you have to have some proper knowledge of Tauhid al-Rububiyyah. Tauhid al-Rububiyyah kya hai? Ki Allah Ta'ala ki jo Rab ki jo sifat hai. Maslan, he is the Khalik, he is the Malik, he is the Mudabbir. Is wali sifat ko hum kehte hain kisi aur shaitan ke besides Allah. Theek hai? So that goes under Rububiyyah. Aur ibadat se related jitni cheeze hai na, ibadat se. Usko jab hum kisi aur entity ko क्रेडिट देते हैं, मसलन हम किसी भी टाइप की फॉर्म ऑफ इबादा जो है वो किसी और के लिए करते हैं, तो दैट गोज अंडर शिर्क अर-रुबूबिया, शिर्क अर-उलूहिया, सॉरी. तो इसमें ये था ना, प्रेइंग टू एंजल्स और मैसेंजर्स, तो इसमें इबादा इन्वॉल्व है, तो वो डायरेक्टली शिर्क अर-उलूहिया में जाएगी. और ये चीजों में बिलीव करना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वेयरिंग अ ब्रेसलेट और अ रिंग और अ धागा और समथिंग या तावीज कि मुझे ये शिफा देगा या मुझे ओल्ड एज से बचाएगा या मुझे कोई बलाओं से बचाएगा, ये कौन सी इसमें जाएगी? तौहीद शिर्क, ठीक है? हाँ, ओके. विल प्रोसीड नाउ. एक्चुअली इसके बाद का जो चैप्टर था, इट इज टॉकिंग अबाउट इस्लाम, ईमान एंड एहसान. तो ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में लिया हुआ है, जस्ट टू रन थ्रू इट, के पिलर्स ऑफ इस्लाम एंड पिलर्स ऑफ ईमान. कोई अनम्यूट करे और क्विकली क्विकली बोले मुझे, पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या है? हाँ जी, शहादा, ज़कात, सौम, हज. ओके, दिस इज पिलर्स ऑफ इस्लाम. एंड pillars of iman, iman in books, prophets, then angels, then day of akhira, and qadar. I missed anything? I think five were. Five were? One. First wala aap miss kar gaye, belief in Allah. Belief in Allah. Okay. सो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है. सो इसमें कुछ आप लोगों को, यानी यू नीड फर्दर इंफॉर्मेशन या आगे बढ़े? यू वांट मी टू, मेरे हिसाब से यू कैन आगे बढ़ो. फाइव, आई कैन आगे बढ़ो. फाइव, एवरीबॉडी इज ओके विद दैट? यस यस. ओके, एहसान के बारे में हु विल डिफाइन, व्हाट इज एहसान? We say the third level, the highest, the finest level is ihsan. Yes, to worship Allah as if He is in front of you. You cannot see Him, but He can see you. Seriously. So that is how you believe. Very good. Okay, this is basically our target, that हम लोगों को ihsan जो है achieve होनी, हर इबादा, हर deeds में हम लोग a state of ihsan तक पहुंचे. So that is our target. So alhamdulillah, we can go ahead with that. We have to believe that increase and decrease of iman happens, right? We have evidences from Quran and Sunnah about it, and evidences from the companions also. So it is something ke hum logon ko continuously good deeds or knowledge seeking ke andar mubtila hona hai. Let's discuss few things which will help us to increase our iman. ईमान को इंक्रीज करने के लिए सबसे अच्छा है लर्निंग द बेनिफिशियल नॉलेज, यानी इल्म नाफिया जो है वो हम डिराइव करें.
कहाँ से डिराइव करें, व्हाट आर द सोर्सेज, आवर सोर्सेज आर टू, कुरान एंड सुन्ना. तो ये जो है ये हमारी अप्रोच होगी टू सीक नॉलेज. एंड इस सीक नॉलेज करने से क्या होता है, आवर ईमान इज इंक्रीजिंग. रिसाइटिंग नोबल कुरान एंड थिंकिंग अबाउट इट, यानी कुरान के साथ जुड़ना, कुरान को पढ़ना, कुरान को समझना, कुरान पे तदब्बुर करना, ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी है. एंड नाउ इट बीइंग रमदान का मंथ, आप इसको और ज्यादा मल्टीप्लाई कर लें. जस्ट अ रिमाइंडर, जिन लोगों ने कुरान नहीं खत्म किया है, अभी और चंद दिन बाकी हैं, टुडे वी आर ऑन 26th ऑफ रमदान, कोशिश करें कि आप खत्म करें, ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ें. एंड लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, कुरान बख्शने वाला कंसेप्ट के बारे में कोई कुछ कहना चाहता है मुझसे? इस किसी को इसके बारे में कोई नॉलेज है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कुरान बख्शना? यस, यू कैन नॉट डू इट, इट्स नॉट अलाउड, बिकॉज़ ओनली द पर्सन हु वी कैन डू सदका जारिया, यू कैन डू उमरा, और दैट्स इट, एंड यू कैन प्रे फॉर हिम, फॉर प्रे फॉर द मगफिरा ऑफ द डेड. You cannot do, nobody can do ibadat instead of you. Sadqa e jariya, umrah ki jo baat ki aapne, I think I don't agree with that, but yes, Quran, once you recite your Quran, aapne Quran pad diya, you are done. उसके बाद उसके साथ क्या होना है इज अ मैटर विद अल्लाह अज़्ज़ा वजल. अल्लाह ताला ने अपनी आपकी पूरी जनरेशन को उसका सवाब देना है, आपके लिए सवाब रखना है, जो करना है. बट वो एक कंसेप्ट होता था, इट्स अ बिदा विच वी यूज टू डू, मे अल्लाह फकीर अस, कि जब हम कुरान पढ़ लिया करते थे, फिर उसके बाद हम बैठ के वो डिजीज लोगों जो जो फौत हो गए हमारे बड़े, उनको हम इसको बख्शना उसको बख्शना, ये सब हमारा काम नहीं है. दिस इज अ मैटर ऑफ अल्लाह, अल्लाह मैनेजेस हिज अफेयर, अल्लाह इज द मुदब्बिर, राइट, डोंट फॉरगेट दैट. तो ये हमारा काम नहीं है, इट्स अ बिदा. सो अगर कुछ लोग हैं जो इस चीज में अभी भी मुब्तिला हैं, तो प्लीज इस रमदान में ये वाला काम नहीं करना है. देयर इज नथिंग, बट यू कैन नॉट डू, सॉरी, यू कैन नॉट डू उमरा. I will come back to you on that. मैं आपको ग्रुप में इसमें रिप्लाई करूंगी, बिकॉज जो है उम्रे के अंदर आप किसी ऑन बिहाफ ऑफ समबडी में मिक्सड ओपिनियंस है. वॉट यू कैन डू, यानी देर इज समथिंग कॉल्ड नफली तवाफ, समथिंग लाइक दैट. देर आर थोड़ा सा उसमें मैटर में वी नीड टू पुट मोर लाइट. तो इंशाल्लाह पोस्ट दैट क्वेश्चन इन द ग्रुप, आई विल गिव यू विद दलील एंड एवरीथिंग. बाकी okay, I have one more question. I have a question regarding reading Quran. जी पूछें. Can I ask now? Yeah, sure, पूछें. See, when we are reading Quran, when during the period, we can read it on the mobile, correct? But usme fir sajda aata hai, so then you can do sajda also without wudu. Without wudu, sajda. See, I will tell you one thing now. Sajda e tilawa, is it obligatory? No, it's sunnah. It is sunnah. It's not obligatory. Huh? It is not obligatory. It's not obligatory. It's not obligatory. So even if you don't do it, it's all right. And you are reading as it is, you are not in a state of purification. वैसे अगर आप सजदा शुक्र करना चाहते हैं, आप forget about the सजदा तिलावा, I'm talking about सजदा शुक्र, it does not require any wudu, you can do सजदा anytime you want. But pertaining to सजदा तिलावा, definitely आप you should be in a purified state. And since it is not obligatory, it is no problem. Okay. Put this question okay. also in the group. We will put it for the benefit of others also. सारा उसकी details जो okay. Hello, assalamualaikum. Ma'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Can I say something about this? Sure, sure. Please add. Karo. For this sujood tilawa, our abla said that if in period also you can do the sujood. Yeah, matlab it's not compulsory, na? Magar if we don't do it, are we going to be sitting? No, no. हाँ, तो वो if you want to avoid it, you can do it. Otherwise. वो मुस्तहब है ना, यानी वो जरूरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी का स्टेटस नहीं है, सो इट्स ऑल राइट. कैन आई जस्ट गिव 2 मिनट्स, बिकॉज़ आई हैव दिस इन फ्रंट ऑफ मी, नो आई हैव रिटन ऑल द पॉइंट्स व्हाटएवर शी हैज टोल्ड, नो गो गो आई हैव रिटन पॉइंट्स. या सी, नंबर 1, आई हैव रिटन दैट इफ यू डिसाइड टू रिसाइट द कुरान एंड यू आर सिटिंग डाउन एंड व्हेन यू रीच दिस वर्स or any similar वर्स, इफ यू आर सिटिंग डाउन यू कैन डू द सुजूद, नो नीड टू स्टैंड अप, राइट. Second point, but in the prayer, Salah, you are already standing up. Out of the prayer, you will say Allahu Akbar and prostrate. Sitting or standing up and prostrate. Number 3rd point, in the Salah, the same you will say Allahu Akbar, then you will prostrate. Correct. And when you raise your head up and stand up again, you will say Allahu Akbar again. But out of the prayer, no need to say Allahu Akbar.
and there is no taslim assalamu alaikum. Correct. Then fourth point is sometimes you memorize the verses and you are repeating it for yourself. Once you reach the verse and you don't have wudu, no problem, you do sujudat tilawa. It's not necessary to have wudu in sujudat tilawa. Number fifth point, there is no need to go to the direction of the Qibla. In any position you are, you can do the sujood. Number sixth point, if in periods also you can do the sujood. Then seventh point, you are reciting and you reach this verse. And if it is a time not good to pray, you can do the sujood because it has a reason. Number eighth point, if you are driving and you reach this verse, if you cannot do the sujood, then once you reach your house, then do it. If no, then khalas. It's a time, it's a sujood, it's time came, but you are not in a good position, so khalas. I have exactly written the words she said. No? Right. So no problem. Jazakallah khair. I remember this discussion actually in the class. Yeah. Jazakallah khair. So I think khulasa ho gaya hai. Kaun kisne pucha to? Humaira ne pucha tha na. I think isse khulasa ho gaya hai. Kya kya conditions hai aur kya kya hum kar sakte hain. So as you can see, it is not a very tight sift rule nahi hai. It's all right. So alhamdulillah, our religion is beautiful. Okay. So, to increase our iman, we were discussing the points, how we can go ahead. Knowledge of Allah's most beautiful names and most exalted attributes. Maine ek file dali thi in regards to Asma wa Sifat. I don't know if you guys have seen it. Ye dua mein hum kis tarike se use kar sakte hain. Uski ek brief summary hai. I again ask you all to go back to the group and check that file and un names ko memorize karein and apni dua ke andar shamil karein, please. To learn and study the seerah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is very important to know the seerah. आप लोगों में से जिसने सीरा नहीं किया है, I would again request you all, there is something called अर्रहीक अल-मख्तूम, Sealed Nectar. It is one of the award-winning books, biographies of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. आप हो सके तो जरूर बा जरूर उसको पढ़ें और पढ़ के as a story time अपनी family, अपने बच्चों को भी narrate करें. It's a beautiful learning experience and the moment जब आप हदीस और सीरा और ये सारी चीजें जब पढ़ते हो आप life of प्रोफेट एंड कंपेनियंस पढ़ते हो तब आपकी आपको बहुत प्रैक्टिकलिटी नजर आएंगी कि इन डिफरेंट सिचुएशंस इन डिफरेंट हार्श एक्सट्रीम सिचुएशंस किस तरीके का उनका तर्ज अमल था और व्हाई दे हैव बीन प्रॉमिस्ड जन्ना आपको क्लियरली वो रोल मॉडल की जो आपको शक्ल चाहिए आपको नजर आएगी एंड आप बहुत अच्छी तरह से रिलेट भी कर सकेंगे तो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग ये चीज को अपना रीडिंग टाइम अपना अनवाइंडिंग टाइम में कन्वर्ट करें कि आप सीरा पढ़ने सीरा की स्टोरीज पढ़ने आप हदीद पढ़ने इट इज वेरी बेनिफिशियल उसके बाद ये सोचना थिंकिंग अबाउट द मेरिट्स एंड क्वालिटीज ऑफ द रिलीजन ऑफ इस्लाम यानी हमें ना सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ या डर की तरफ नहीं रखना है बच्चों के साथ भी हम कई बार पेरेंटिंग में ये गलती करते हैं तरबिया में वी ओनली इंस्टिल द फियर यानी हम सिर्फ जहन्नम जहन्नम अल्लाह ताला आग में डालेंगे ये यही करते हैं ऐसा नहीं करना आपको खुशखबरी हमें देनी है आप देखिए कुरान का तरीका कितना जबरदस्त है जब जब जहन्नम का जिक्र आता है वहां वहां जन्नत की नेमतें का भी जिक्र आता है तो सिर्फ हमें वार्नर की तरह नहीं बनना है हमको ग्लाइड टाइडर्स की तरह भी बनना है खुशखबरियां भी देनी है और बच्चों का जो दिल और दिमाग होता है बहुत सॉफ्ट होता है बहुत नरम होता है तो उसको डेलिकेटली हैंडल करना है उसके अंदर आपने अल्लाह ताला का प्यार को इंस्टिल करना है सिर्फ खौफ खौफ नहीं एक एज आएगी उसके बाद आपको फियर को मेंशन करना है लेकिन आपको अपने लिए भी इस्लाम की पॉजिटिविटी और उसके बेनिफिट्स और उसके मेरिट्स के बारे में सोचना है क्योंकि वही तरीका कुरान में भी मेंशन किया गया है थिंक अबाउट द वर्च्यूज थिंक अबाउट द मेरिट्स और फिर उसके बाद उस पर होपफुल रहना है अल्लाह ताला के ऊपर एक पॉजिटिव होप रखनी है आपको कि मैंने ये कहा गया है कि ये करने से ये अजर इंशाल्लाह मिलेगा खलास आई डू इट विद माई होल हार्ट एंड लीव इट ऑन टू हिम विद पॉजिटिविटी उसमें कोई वसवस या डाउट्स नहीं होने चाहिए शुड बी सर्टन उसके बाद सलफ की पायस लोगों की हिस्ट्री पढ़ा करें लाइफ हिस्ट्री पढ़ा करें उसके बाद रिफ्लेक्ट किया करें यूनिवर्सल साइंस ऑफ अल्लाह यानी आप बाहर देखें अल्लाह ताला ने बेहतरीन कुदरत बेहतरीन नेचर बनाया है कैसे अल्लाह ताला उसको कंट्रोल कर रहे हैं कैसा है आसमान फ्लॉलेस नो क्रैक्स झाड़ फूल पत्ते फिर ये कोई प्रेगनेंट फीमेल आप देखें तो आप सोचें कैसे अल्लाह ताला एक छोटे से क्लॉट से किस तरीके से ह्यूमन फॉर्मेशन करते हैं कैसे उसको खाना पीना पहुंचाते हैं मतलब अल्लाह की कुदरत बेमिसाल है आप जहां टर्न करेंगे आपको नजर आएंगी तो उसको आप सोचें अल्लाह का शुक्र अदा करें हर नेमतों का शुक्र अदा करें कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे अमल करें वो भी दिल से और इखलास से एक्शंस ऑफ द हार्ट
अलकल्ब, एक्शंस ऑफ द टंग, अल लिसान एंड एक्शंस ऑफ द लिम्ब्स. तो ये सारे जो है वो आपको जैसे दिल से और खालिस नीयत से करना है. एक्शंस ऑफ द हार्ट, ऑफ कोर्स आपकी नीयत सबसे पहले जो आपके अंदर रहती है. फास्टिंग इज एन एक्शन ऑफ हार्ट या एक्शन ऑफ लिम्ब? अ क्वेश्चन. Fasting is action of limb. Action of limb? Yes. Are you sure? No, I'm not sure. It is a combination. Basically. It is a combination, but it is more of action of the heart. क्योंकि आप देखें, आप अकेले चुपचाप जाके पानी पी लें, कोई नहीं देख रहा. Okay. You can break your fast. It's a matter of heart. और इसीलिए इसीलिए fasting जो है ना, fasting का जो अजर है, अल्लाह ताला ने specially हमारे लिए एक surprise रखा हुआ है. There is a special gate called Arrayan, जिससे जो साइमेन होंगे वो जाएंगे उसमें से जो fasting करेंगे. और फिर उसके बाद जो यानी ये जो है hidden matter है, और ये हम अल्लाह के लिए करते हैं. और अल्लाह के लिए हम हलाल चीजों को भी अपने ऊपर हराम कर देते हैं. तो this is a very very internal thing. बहुत hidden है ये. Okay, so it's a combination of heart and limb. Actions of the tongue में क्या-क्या आता है? Zikr azkar, Quran पढ़ना, अच्छी बातें करना, अच्छी सलाह देना, लोगों को बुरे काम से बचा के अच्छी चीजों की ताकीद करना, ये सारे actions of the tongue हैं. And actions of the limb क्या है? Prayer, Hajj, Jihad, and of course fasting, acts of obedience. ये सारी चीजें हैं जिससे ईमान increase होता है. Let's quickly discuss कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे कि ईमान जो है डिक्रीज होता है. तो वो बन जाएंगे आपके अजबाब अल नक्स अल ईमान. ये वो चीजें हैं जिससे पहले हम इंटरनल कॉजेस पढ़ते हैं. इग्नोरेंस, जहालियत, यानी कोई भी ऐसी चीज जो हम करते हो बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, अनअवेयर है, हमें इस चीज की नॉलेज नहीं है. तो ये जो है अगेन द ऑपोजिट मीनिंग. वहां पर हम सीकिंग नॉलेज पढ़ रहे थे जिससे इंक्रीज होता है. तो डिक्रीज किससे होता है? बाय इग्नोरेंस. Heedlessness, turning away and forgetfulness. यानी हम किसी चीज के बारे में careful ना हो. मसलन for example, तहारत के मामले में आप careful ना हो. बाथरूम में जा रहे हैं, आपका कपड़ा जो है उस पर यूरिन ड्रॉप्स लग रहे हैं. आई मीन ये सारी चीजें जो है ये ईमान को खत्म करती हैं, कम करती हैं. उसके बाद बार बार डिसोबीडियंस और sinful acts करना, यानी गुनाह करना, छोटे बड़े गुनाह करना, उसके बारे में careful ना होना. उसके बाद एक ऐसी नफ्स, आपकी जो नफ्स अलमारा है उसे जिंदा रहने के लिए बार बार ईवल डीड्स की जरूरत पड़ती है. हमारे अंदर तीन नफ्स है बाय द वे, नफ्सल अमारा, नफ्सल मुतमईन और नफ्सल लवामा एज पर द कुरान. और ये जो है नफ्सल मुतमईन जो है वो हमारी पॉजिटिव सोलफुल जो हमको अल्लाह से जोड़ती है. जैसे अभी रमदान में हमारी नफ्सल मुतमईन एकदम स्ट्रांग होती है माशाल्लाह, क्योंकि हम उसको फीड कर रहे होते हैं. रमदान के अलावा हम क्या कर रहे होते हैं? नफ्सल अमारा को फीड कर रहे होते हैं, तो वो स्ट्रांग हो जाती है. नफ्स लवामा जो है वो इट्स अ न्यूट्रल सोल, जो कॉन्शियंस हम कहते हैं ना, कि अगर आपने कुछ बुरा किया तो वो आपको अंदर से यू फील गिल्टी अबाउट इट, दैट इज नफ्स लवामा. हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हमारी नफ्स मुतमईन को फीड करें, उसको स्ट्रॉन्ग करके अल्लाह के और ज्यादा करीब जाए. सो जब बार बार हम कोई गुनाह करते हैं और वो भी जान बूझ कर बार बार गुनाह करते हैं, तो उससे भी हमारा ईमान कम हो जाता है. और हमें जो ईवलिश हमारे अंदर जो स्ट्रैंड होता है ना, उसको कंट्रोल करना पड़ता है. एक्सटर्नल कॉज क्या है? ऑफकोर्स हमारा खुला दुश्मन शैतान. मेनी टाइम्स कुरान वर्सेस है डायरेक्ट हम लोगों को जिससे हमें वॉर्न किया जाता है, हमारा खुला दुश्मन शैतान. उसके बाद ये दुनिया की जो जीनतें और लज्जतें हैं, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा फितना है. मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस. और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, बैड कंपनी. अगर आपके कंपेनियंस, आपके आसपास का माहौल इस टाइप का हो जो कि आपको नमाज से, अल्लाह के ख्याल से, आपके जिक्र से, आपके कुरान से आपको अगर दूर करते हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको उनके साथ कट ऑफ करना है. अभी मेरी बात को गलत इस तरीके से ना ले. हो सकता है कि इमीजिएट आपके फैमिली या रिलेटिव में कोई ऐसे बंदे हों जो इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स पजेस करते हैं, तो आप बोलेंगे कि हम उनसे कतारहमी कर लें या क्या करें. बट जब दीन का मामला आता है, आप अपने दीन को सेव करें. आई लीव इट अप टू यू. मे अल्लाह प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस, और सबको अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे. लेकिन आपको अपना दीन बचाना है, क्योंकि कब्र में हमने सबने अकेले जाना है. एंड वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज आवर जन्ना फॉर ऑल दिस थिंग्स. तो इसीलिए जहाँ तक आपको अपनी नेकियाँ बचाना है, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत
कुरान पढ़ा और नेक अमल किए, एंड देन यू आर मीटिंग दिस रिलेटिव और दिस रिलेटिव इज स्टार्टिंग विद ऑल द गिबत, तो आप साइलेंटली पोलाइटली, देर इज ऑलवेज अ वे टू से नो. मैं अगेन बोलती हूँ, देर इज ऑलवेज अ वे टू से नो. आपके हाथ में है, आप कितना हिकमत के साथ, कितनी बसीरत के साथ वो शैतानी दरवाजे को बंद करें. तो मेक श्योर कि आप ऐसी किसी भी कंपनी के साथ ना जुड़े हों जो आपको अल्लाह ताला से दूर करें, और वो लोग जो आपको अल्लाह से करीब करते हैं उनको अपने दोनों हाथों से पकड़ के अपने साथ रखें. मे अल्लाह ताला गिव अस बेस्ट कंपनी, एंड मे अल्लाह ताला मेक अस द बेस्ट कंपनी फॉर अदर्स एज वेल, कि हम जो हैं अल्लाह ताला का रिमाइंड करें लोगों को और वो हमें रिमाइंड करें अल्लाह ताला का. देयर इज अ बिग चैप्टर ऑन कदर. हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी, लेकिन इस चैप्टर में अगेन क्विकली मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा कदर के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी. कदर के जो है चार एस्पेक्ट्स होते हैं, चार फोल्ड हैं. जैसे हमने ईमान का एक लेवल है बिलीविंग इन द कदर, कदर का जो चैप्टर है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है. समटाइम्स वी से कोई चीज़ हम चाह रहे थे कि हो जाए, हमने बहुत महीनों सालों उसके पीछे मेहनत की, वो नहीं हुआ फाइनली. What do we say? A believer, what will be the reaction? अरे अफसोस करेगा या पछतावा करेगा? नहीं. कदर अल्लाह, ओके, दिस इज वॉट वॉज रिटर्न फॉर मी, एंड इसमें शायद कोई खैर है, हर शर के पीछे खैर है. दिस इज द हाउ द बिलीवर रिएक्ट. तो कदर के चार एस्पेक्ट्स क्या हैं? फर्स्ट इज अल इल्म, नॉलेज, कि अल्लाह के पास हर चीज का इल्म है. अल्लाह को पता है कब कहाँ कैसे क्या होने वाला है. पूरी अपनी क्रिएशन के बारे में, क्रिएट करने से पहले अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में सारी चीज़ें 50,000 साल पहले लिख दी थी. तो आपकी जिंदगी के बारे में, आपके मूवमेंट्स, आपके कलमात, आपके डीड्स, आपके एक्शंस, आपके लाइफ में कितना आपको रिस्क मिलेगा, क्या परेशानी क्या नहीं, आपकी सीट जन्ना में या जहन्नम में, एवरीथिंग राइट फ्रॉम योर कंसेप्शन टिल द एंड ऑफ द टाइम. एंड बाई द एंड ऑफ द टाइम आई मीन नॉट जस्ट दिस डेथ, आखिरा की इटर्निटी की बात कर रही हूँ. So from that point till this point, sab kuch likha hua hai. Everything is written. So Allah has the complete knowledge of it. Al-Kitaba, there is a writing. Al-Kitaba means Allah wrote everything. Sab kuch likha hua hai. Actual preserved tablet, lohe mehfooz mein likha hua hai. It's written in black and white. So he has the knowledge and it is all written. Then there is something called Al-Mashiyah, which is the will of Allah. It is essential to believe that Allah has willed everything. Allah Taala ki marzi shamil hai, uske bagair patta bhi nahi hilta. So it is purely and only Allah's will. Understanding al-masiha and the will. Yani isme na bhi ye thoda sa tricky concept hota hai. For example, there are two types of deviated category, al-qadriya and al-jabriya. We had discussed this also. जाबरिया बिलीव करते हैं कि हम लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, हमें फोर्स किया जाता है, हमारी अपनी विल नहीं है, तो जो कुछ लिखा है हम उसके मुताबिक काम करते हैं. और कदरिया बिलीव करते हैं कि अल्लाह नोज नथिंग, जब हम कर लेते हैं अनाजबिल्ला तब जाके फिर अल्लाह को पता चलता है. तो दोनों ही गलत फेथ हैं. तो ऑफकोर्स वो डेविएटेड है, उसके बारे में हमें इतना नहीं जानना, लेकिन वी शुड नो, नॉलेज हमें इस चीज की होना जरूरी है कि अननोइंगली हमारे दिमाग में या दिल में ये बात नहीं आनी चाहिए. हमारा फेथ कहता है अल्लाह हैज ऑल द नॉलेज. बट अगेन मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ. इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपके सामने कहे कि मैं नमाज नहीं, अनौज बिला नमाज नहीं पढ़ता, अगर अल्लाह चाहे तो मुझे हिदायत दे दे, हाउ कैन यू कन्फ्रंट दैट? आप इसको कैसे कन्फ्रंट करेंगे? आप मेरा क्वेश्चन समझे? कुछ लोग होंगे, ऑफकोर्स वी आर लर्निंग दिन टू प्रैक्टिस इट, एंड देन हम इस दिन का दावा करें. दिस इज द इंटेंशन ऑफ आवर लर्निंग दिन, राइट? अगर आपके सामने कोई कहे, आपका ही कोई रिलेटिव, आप वो नमाज नहीं पढ़ता, या समझो फॉर एग्जांपल कोई आपकी नीस हो जो हिजाब नहीं लेती, यू टेल हर हिजाब लेना है आपने, वो कहेंगे अगर अल्लाह ने मुझे हिदायत देनी है तो मिल जाएगी मुझे, अगर मेरे कदर में है तो हो जाएगा. यस जुमान, यस श्योर श्योर. पहले हमें ट्राई करना चाहिए. When we say, ऐसा नहीं, you don't do anything and then Allah does it for you. In Allah, Allah, yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. You need to try to do something and then Allah will help you. You just don't sit and then, okay, Allah Ta'ala karenge to, you know, ho jayega. This is what I believe. My question was like, how would you confront the point
इरादा यस इट इज योर इंटेंशन बट हाउ वुड यू कन्फ्रंट द पॉइंट वेयर दे से कि अगर होना होगा तो हो जाएगा, अगर मेरे नसीब या कदर में होगा तो हो जाएगा. हाँ लेकिन नसीब में कदर में होगा तो हो जाएगा, कुछ ना करके बैठे बैठे हो जाएगा लाइक दैट. I mean, I think I'm, this is what I'm understanding. Yeah, शायद मैं question नहीं समझ पा रही. नहीं नहीं सही जा रहा है, सही जा रहा है. But if we discuss it further, we'll reach that. What am I trying to say is that कि is it that Allah Taala has written, has enforced His ideas on people, people's no. मैं बोलूं, मुझे कुछ बोलना था. हाँ बोलो बोलो जाफरीन. हाँ इट्स लाइक वो जाकिर नायक का एक वीडियो सुना था, वहां पे ऐसा ही सेड के जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और टीचर होते हैं, टीचर को पता होता है कि कौन फेल करेगा और कौन पास करेगा. Absolutely. उस हिसाब से वो मार्कशीट में मार्क्स लिख के नहीं देता है, बट उसको बस पता होता है. डिसीजन क्या होगी, मेरी चॉइस क्या होगी. तो अल्लाह ताला के पास उस चीज का इल्म है, बट अल्लाह ताला अपनी मर्जी हम पर लागू नहीं करते हैं. चॉइस हमारी होती है, लेकिन उस चॉइस की नॉलेज अल्लाह को होती है. फर्क समझ आया? तो अल्लाह हैज द नॉलेज ऑफ व्हाट वी विल चूज, व्हाट वी विल डिसाइड, व्हाट वी विल डू, और उस नॉलेज के बेसिस पे उस बुक में राइटिंग लिखी हुई है. तो ऐसा नहीं है कि इफ अल्लाह चूजेस जन्ना फॉर मी आई विल, मेरे अमाल उस तरीके के होंगे. लेकिन एक बात, अगर कोई बोले लोहे महफूज में तो अल्लाह ताला ने 50,000 साल लिखा हुआ है, जैसे सब हम बोलते हैं लोहे महफूज में लिखा हुआ, एंड देन ओके इट इज ऑलरेडी रिटन, तो फिर अभी मैं क्यों यू नो एग्जैक्टली आई एम नॉट सो फाइन, आई एम नॉट प्रेइंग, आई विल वेट. एग्जैक्टली इसी चीज को तो कन्फ्रंट करने के लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि हमें ये चॉइस हमारी है. वी आर अशरफुल मखलूकात, हमारी जो पावर अल्लाह ताला ने हमको जो दी हुई है डिसीजन एंड चॉइस वाली, वो सिर्फ इंसानों को दी हुई है, राइट? वी आर नॉट ऑटोमेटेड. तो अल्लाह नोज वेरी वेल कि हम क्या चूज करेंगे, और वो नॉलेज के बेसिस पे बुक में लिखा गया है. लेकिन अल्लाह की मर्जी नहीं, हमारी मर्जी लिखी हुई है वॉट वी विल सिलेक्ट. अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला को इल्म है कि हम क्या चूज करेंगे, बट इट्स नॉट दैट अल्लाह वॉन्ट समबडी टू पिक अप एंड पुट देम, तुम कुछ भी चूज करो और तुम्हारे लिए जन्नत है, ऐसा नहीं है. अल्लाह हैज द नॉलेज व्हाट यू विल चूज, व्हाट यू विल डू, एंड देन फिर अल्लाह की मर्जी शामिल है. अल्लाह's विल इज द अल्टीमेट विल, राइट, टू गेट इनटू जन्नत. लेकिन जो लोहे महफूज में लिखा हुआ है वो अल्लाह को नॉलेज है कि आप क्या सिलेक्ट करेंगे. और इसीलिए देन द सेकेंड पार्ट ऑफ व्हाट यू सेड के उसमें हमारी इंटेंशन और एक्शंस की जरूरत है. इफ यू टेक द राइट एक्शन, इफ यू हैव द राइट इंटेंशन, फिर हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, राइट? इसके बारे में वी कैन डिस्कस फर्दर. आई थिंक वी विल कंटिन्यू टुमारो बिकॉज वी हैव रीच्ड 2:06 नाउ. So inshallah, कोई question है तो please group में डालें. The link I will upload and put it in the group, and then आप उधर YouTube में जाके you can feel free to share and please subscribe. Continuously I'll be uploading lot of audios there. And inshallah मुलाकात होती है कल. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaykum assalam.